हेलो दोस्तों, नमस्कार। मास्टर टेक्नीशियन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम जान लेंगे डिफरेंशियल प्रेशर सेंसर के बारे में। कोई कोई लोग उसे डीपीएस सेंसर भी बोलते हैं। ये डिफरेंशियल प्रेशर सेंसर डीपीएस सेंसर लगता कहाँ पे है और काम कैसे करता है, उसके बारे में पूरा टोटल जानकारी ले लेंगे। दोस्तों, इससे पहले हमने BS6 साइलेंसर सिस्टम के सेंसर और एक्चुएटर और BS6 साइलेंसर में क्या होता है, ऐसे दो वीडियो बनाए हुए हैं। उसकी लिंक ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप ज़रूर देखना। और जो नए लोग इस चैनल पे विज़िट किए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो ये सेंसर BS6 गाड़ियों में साइलेंसर के ऊपर जहाँ पे DPF लगा हुआ रहता है, DPF का मतलब होता है डीजल पर्टिकुलेट फिल्टर, ये जो लगा हुआ रहता है उसी के आजू बाजू हमें लगा हुआ मिलेगा। उसमें लगे हुए दो पाइप रहते हैं, उसका कनेक्शन एक DPF से पहले रहता है और दूसरे पाइप का कनेक्शन एक DPF के बाद लगा हुआ रहता है। ये जो DPF सेंसर होता है वो पीजो रेजिस्टिव टाइप सेंसर होता है। अब ये सेंसर काम कैसे करता है वो देख लेते हैं। डीजल गाड़ियों में जब इंजन से एग्जॉस्ट गैस निकलता है वो DOC के बाद इस DPF में चला आता है। उस गैस के अंदर जो PM रहता है, जो कार्बन का सूट रहता है, उसको यहाँ पे फिल्टर किया जाता है। अब जब ये बार बार फिल्टर होता रहेगा तो एक टाइम आएगा वो फिल्टर कम्प्लीटली चोक हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए यहाँ पे एक सेंसर लगा हुआ है। वो क्या करता है, DPF से पहले और DPF के बाद जो एग्जॉस्ट गैस का प्रेशर रहता है उसका वैल्यू ये सेंसर ECU को बताता है। उसी के आधार पर साइलेंसर के अंदर DPF के जगह पे रीजनरेशन करवाया जाता है। रीजनरेशन का मतलब क्या होता है, इस जगह का टेम्परेचर बढ़ाया जाता है और उसी के अंदर जो जमा हुआ है कार्बन सूट पार्टिकल्स रहते हैं उसको पूरी तरह से जला दिया जाता है। उस वक्त DPF के अंदर का जो टेम्परेचर रहता है वो 500 से 800 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा। ये अलग अलग गाड़ियों के मॉडल के अंदर हमें अलग अलग टेम्परेचर मिल सकता है, पर ये हमें 500 से 800 डिग्री टेम्परेचर सेल्सियस तक हमें मिलता है। अब इसे चेक करने के लिए हमें डायग्नोस्टिक टूल की ज़रूरत रहेगी। उसमें हम सेंसर्स के पैरामीटर में जाके डिफरेंशियल प्रेशर का वैल्यू कितना है वो हम देख सकते हैं। वहाँ पे अगर हमें वैल्यू नहीं मिल पा रही है तो समझना है कि ये सेंसर ख़राब हुआ है। अगर ये सेंसर ख़राब रहेगा तो हमें एरर कोड भी मिलेगा। एरर कोड या फॉल्ट कोड हमें स्कैनर या टूल के अंदर हमें दिखाई देंगे। उसी के अंदर करेक्टिव एक्शन में भी हम ढूंढेंगे या रेमेडीज में ढूंढेंगे तो उसका पिन का डिटेल भी हमें मालूम पड़ जाता है। अब ये डिफरेंशियल प्रेशर सेंसर के अंदर हमें कनेक्शन देखेंगे तो तीन कनेक्शन मिलेंगे। उसमें क्या होगा, एक सप्लाई, एक ग्राउंड और एक सिग्नल। कोई कोई सेंसर हमें चार पिन के भी मिलेंगे तो उसमें सेंसर का आउटपुट 1 और 2 ऐसा रहेगा और एक पॉजिटिव और निगेटिव, मतलब सप्लाई और एक ग्राउंड रहेगा। इस तरह से सेंसर में चार पिन होते हैं। तो दोस्तों, आपको अगर ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद।